नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। किसान आंदोलन के समर्थन में आज दिल्ली में कांग्रेस की सियासत शुरू हो गई। पार्टी के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया तो राहुल गांधी ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर कृषि कानून वापस देने की मांग की। कांग्रेस इस मौके को भुनाने में जुट गई। राहुल, प्रियंका समेत तमाम पार्टी नेता अब सरकार को कृषि कानून के खिलाफ चैलेंज कर रहे हैं। उनतीस दिन बीत चुके हैं किसान आंदोलन के। अब राहुल गांधी और उनके नेता सड़कों पर उतरे हैं। किसानों के समर्थन में कांग्रेस अपना तेवर दिखाती रही है, लेकिन पहली बार भूमि पुत्रों के समर्थन में पार्टी नेताओं को सड़क पर उतरने की याद आई है। प्रियंका गांधी पार्टी नेताओं के संग सड़क पर उतरी तो राहुल गांधी खुद राष्ट्रपति भवन पहुंच गए। उन्होंने राष्ट्रपति को कृषि कानून के विरोध में ज्ञापन सौंपा। यहाँ पे राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और बाकी सांसद भी मौजूद हैं, और ये वो वक्त है जब कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं किसान आंदोलन के साथ खड़े हुए दिखना चाहती है, और लगातार 2 करोड़ हस्ताक्षर के साथ अब राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे। लगातार चुनावों में हार के बाद कांग्रेस अपना बेस मजबूत करने में जुटी है। ऐसे में किसानों के मुद्दे पर सरकार की घेराबंदी कर पार्टी अपनी नैया पार कराना चाहती है। प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए। विपक्ष की सब पार्टियां किसानों के साथ, मजदूरों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जिस प्रकार से ये कानून पास किया गया वो भी बिल्कुल गलत था। बिना डिबेट किए, बिना किसानों से चर्चा किए, बिना मजदूरों से पूछे ये कानून ऊपर से थोप दिए गए हैं, और इन कानूनों को हटाना ही पड़ेगा, विद्रॉ करना ही पड़ेगा। किसान आंदोलन को लेकर राहुल ने कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक ये प्रदर्शन खत्म नहीं होने वाला है। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में लड़े जा रहे सियासी दंगल में कांग्रेस खुदी जोरदार तरीके से सरकार पर निशाना साधा। सरकार ने कहा था कि ये कानून किसान के फायदे के हैं, और देश को दिख रहा है कि किसान कानून के खिलाफ खड़ा हुआ है, और मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ये किसान हटेगा नहीं। प्रधानमंत्री को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान और मजदूर घर चले जाएंगे, नहीं जाएंगे। जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा, जॉइंट सेशन कीजिए और कानून को एकदम वापस लीजिए, क्योंकि किसान वापस नहीं जाने। किसानों को कोई बरगला नहीं सकता, बहुत समझ है उनमें, बहुत विवेक है। अगर आज वे बॉर्डर पे बैठे हैं एक महीने से इस ठंड में तमाम संघर्ष को झेल कर, तो ये जाहिर है कि उनको दुख है कि ये उनका संघर्ष है। इसका राजनीतिकरण कोई नहीं कर रहा है। ये हम एक राजनीतिक दल है, उनका समर्थन करने की हमें पूरा हक है। प्रियंका गांधी पार्टी के अन्य नेताओं के साथ विरोध प्रदर्शन करने उतरी। बस में सवार होकर पार्टी नेता राष्ट्रपति भवन के लिए निकले, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। कोरोना गाइडलाइंस का हवाला देते हुए पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया। आपको दिखाते हैं ये जो तस्वीर, यहाँ ग्राउंड जीरो पे आपको नजर आ रही होगी, खचाखच बस भरी है। प्रियंका गांधी वाड्रा और तमाम कांग्रेस के नेता और सांसदों को ले जाया जा रहा है। उनको 10 जनपद के बाहर हिरासत में ले लिया गया है, और तमाम सांसद उसी बस में मौजूद है। ठीक सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं उसी बस से, हम लोग भी उसी बस में मौजूद है सारी जानकारी देते हुए। और यहाँ पे उसी बस में कहाँ ले जाया जा रहा है कांग्रेस के नेताओं को ये पता नहीं। हिरासत में लिए गए कांग्रेस नेताओं को पुलिस मंदिर मार्ग थाने ले गई। हालांकि कुछ ही देर बाद सभी को रिहा कर दिया गया। छह सालों से जो भी इनके खिलाफ बोलता है, जो भी अपने लिए खड़ा होता है, उसको ये कुछ ना कुछ बोलते हैं, इस तरह का कोई नाम दे देते हैं। असलियत ये है किसान इस देश का अन्नदाता है, इस देश का हृदय है। अगर वो बैठा है उसका आदर होना चाहिए, उसकी इज्जत होनी चाहिए, उससे बात की जानी चाहिए, उसकी आवाज सुनी जानी चाहिए। और इस तरह के नाम जो आपने उनके लिए उपयोग किए हैं अभी, ये एक पाप है। अगर सरकार इनको देशद्रोह कह रहा है तो सरकार पापी है।
किसानों के मुद्दे पर एक तरफ कांग्रेस की सियासत जारी है, वहीं केंद्र सरकार और बीजेपी लगातार कृषि कानून का सच देश को बताने में जुटी हुई है। उनको तकलीफ इस बात में है कि जो काम हम कहते थे लेकिन कर नहीं पाते थे, वो मोदी ने कैसे किया, मोदी ने क्यों किया, मोदी को इसका क्रेडिट कैसे मिल जाए। ये कानून लागू हुए 6-7 महीने से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन अब अचानक भ्रम और झूठ का जाल बिछाकर अपनी राजनीतिक जमीन जोतने के खेल खेले जा रहे हैं। किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर वार किए जा रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर यानी 25 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी किसानों से फिर से संवाद करने वाले हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपील की है कि पार्टी सांसद, विधायक, नेता और कार्यकर्ता पीएम के कार्यक्रम का हिस्सा बने। वहीं यूपी बीजेपी के कार्यकर्ता कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की चिट्ठी लेकर घर घर जाएंगे। शुक्रवार को ही केंद्र सरकार किसान सम्मान निधि की 7वीं किश्त भी जारी करने वाली है। इसके तहत 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ की राशि ट्रांसफर की जाएगी। सरकार की पहल पर कांग्रेस गुस्से में है, लेकिन किसान संगठन कह रहे हैं कि उनका इस सियासत से कोई वास्ता नहीं है। दिल्ली से मौसमी सिंह और अनीशा माथुर के साथ आज तक ब्यूरो। किसान आंदोलन पर मोदी सरकार भी जवाबी तैयारी में है। कल पीएम मोदी अवध के किसानों से संवाद करेंगे, लेकिन आइए इस बीच आपको हम सीधे ग्राउंड पर ले चलते हैं। हमारे साथ इस वक्त सिंघू बॉर्डर से जुड़ रही हैं अनीशा माथुर और गाजीपुर बॉर्डर में कुमार कुणाल मौजूद हैं। अनीशा, पहले आपका रुख करते हुए, बातचीत को लेकर डेडलॉक तोड़ने की कोशिश तो हो रही है, कांग्रेस पार्टी भी आज राष्ट्रपति से मिलने पहुंची है, सवाल ये कि सिंघू बॉर्डर पर इस वक्त क्या चल रहा है? चलिए अनीशा से हम संपर्क करेंगे। कुमार, यही सवाल मेरा आपसे भी है, क्या चल रहा है इस वक्त किसानों के बीच? देखिए, किसानों के बीच जो साफ तौर पर है कि प्रस्ताव लगातार केंद्र सरकार की तरफ से आ रहा है, जो विपक्ष की राजनीति है वो भी हो रही है, लेकिन इस बीच जो किसान है वो डटे हुए हैं। आपको चौतरफा तस्वीर हम दिखाते हैं कि क्या नजारा है इस समय, क्या तस्वीर है इस समय गाजीपुर बॉर्डर की, और इस बीच किसानों का क्या रुख है। आप लोगों के पास लगातार सरकार से प्रस्ताव आ रहे हैं, क्या आप लोग अब आगे की रणनीति? ऐसा सरकार से प्रस्ताव नहीं आ रहे, सरकार गुमराह कर रही है। 5 दौर की वार्ता हो गई, 5 बार की वार्ता में सरकार ये कह रही है किसानों को समझाएंगे। किसान अपनी बात पर हमें समझाना चाहिए, सरकार कोई ठोस प्रस्ताव लाए। हम तो बैठे ही हैं, हमारी समस्याओं का समाधान कर दे भाई। सरकार हम बच्चे थोड़ी हैं, क्या हमें समझाओगे? समझो किसान। आज भी सरकार की तरफ से चिट्ठी आई है, तो ये चिट्ठी जो चल रही है किसानों के बीच में, लेकिन आप अपनी जगह पर अड़े हुए? ये तो प्रेम पत्र है, चिट्ठी कहाँ है? ये देखो, वार्ता थोड़ी करना चाह रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री कह रहे हैं सारे बिल ठीक है, तो जब सारे बिल ठीक है तो फिर वार्ता किस चीज पर करें हम? किसान कह रहा हमारे फांसी है बिल, तो किस चीज पर बात होगी ये बताओ। टॉम, बात अटकी पड़ी हुई है, कहां बात हो, किस चीज पर हो? किसान ये पूछ रहे हैं कि जब बात जो 9 दिसंबर को थी वही आज भी वही स्थिति बनी हुई है, तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। इस बीच जो हम दिखाएंगे कि किस तरीके से ट्रैक्टर ट्रॉलियां जहां तक नजर जाए वहां तक अब आकर खड़ी हो गई है। अब सिर्फ एक सड़क नहीं है गाजीपुर बॉर्डर पर जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉलियां खड़ी है, जो भी आसपास की सड़कें हैं उन पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों का तांता दिखाई पड़ता है। तो एक तरफ जो किसानों का रुख है वो साफ तौर पर दिख रहा है कि जब तक सरकार इनकी शर्तों पर बात नहीं करेगी तब तक वो मानेंगे नहीं, तो दूसरी तरफ जो किसानों के आने का सिलसिला है मीनाक्षी, वो भी लगातार चल रहा है। और आज भी जो हमें सूचना मिल रही है कि अलग अलग जगहों से, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से और किसान यहाँ पर आएंगे, यानी अपनी संख्या बल बढ़ा करके सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति। अनीशा भी आ गई है हमारे साथ सिंघू बॉर्डर से। ये बताइए अनीशा, सरकार की तरफ से जो चिट्ठी भेजी गई है, अभी किस तरह का रिस्पॉन्स सिंघू बॉर्डर से निकल कर आ रहा है?
देखिए यहाँ पर तो कॉन्स्टेंटली यही बात बार बार दोहराई जा रही है कि सरकार जो है वो बात करने को तैयार नहीं है, और जब तक तैयार नहीं होती तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। हमने कुछ किसान नेताओं से बात भी करने की कोशिश की, वो कह रहे हैं कि स्टेटमेंट अभी दी जाएगी। अभी तक तो जो यहाँ पर लोग भी हैं वो यही कह रहे हैं कि सरकार जो है वो बार बार किसानों को गुमराह कर रही है, अलग अलग बातें बनाकर बात कर रही है। और जो आज के लेटर में लिखा गया है खासतौर से सरकार की तरफ से कि एमएसपी और फार्म लॉज अलग अलग मुद्दे हैं और उनपे दोनों पर एक साथ बातचीत नहीं होगी, उस पर भी यहाँ के किसान लीडर्स यही कह रहे हैं कि देखिए ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। फार्म लॉज को रिपील करना भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना एमएसपी की गारंटी। इसलिए अगर सरकार ये सारी बातें करने को तैयार नहीं है तो आगे बातचीत के रास्ते सरकार बंद कर रही है, लेकिन हम इस पर जवाब अभी देंगे, ये फार्म लीडर्स की तरफ से अभी कहा जा रहा है। शुक्रिया अनीशा आपका इस जानकारी के लिए। कुणाल आपका शुक्रिया इस जानकारी के लिए। कोरोना को लेकर आपको अपडेट बता दें, दक्षिण अफ्रीका से खतरा आया और सबसे बड़ी बात यह है कि खतरे की पहचान एक बार फिर ब्रिटेन में हुई है। ब्रिटेन में कोरोना का जो स्ट्रेन मिला था वो मूल वायरस से 70% ज्यादा संक्रामक था, और अब बताया जा रहा है कि दक्षिण अफ्रीका वाला स्ट्रेन उससे भी ज्यादा संक्रामक है। अंदाजा ये है कि ये बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, पर अभी तक जो डेटा आया है उसके अंदर ये डेफिनेटली नहीं बताया गया कि बहुत सारे बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं या कितना फैल गया है, इसके ऊपर अभी डेटा नहीं है। पर यह जरूर बात है कि इस वायरस को देखेंगे अगर, जो इसका क्यों भयंकर इसलिए बन गया कि एज इट इज आपने देखा कि जो पहला इसका म्यूटेशन था उसने कितने सारे लोग दुनिया में तकलीफ में आ गए। अगर जो इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट 1.7 से है, इसका मतलब कि एक कमरे में अगर जो लोग थे कुछ अपना बर्ताव कर रहे थे प्रिवेंशन, पर उनको भी अब खतरा बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमें जो सावधानी हम यूज कर रहे थे पहले, मास्क पहन रहे थे, हाथ धोना और डिस्टेंसिंग कर रहे थे, उसमें भी लोगों में खामियां थी जिसकी वजह से ये डिजीज इतनी फैली है। भारत कोरोना से जंग के लिए तैयार है। अगले हफ्ते भारत सीरम इंस्टीट्यूट और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका की ओर से बनाई जा रही वैक्सीन कोविशील्ड को इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत दे सकता है। भारत में इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन 3 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था, जिसमें से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को कहा गया था कि वो और डेटा जारी करें। सीरम इंस्टीट्यूट और डेटा जारी कर चुका है और SEC पैनल इस पर संज्ञान ले चुकी है। हो सकता है कि अगले हफ्ते तक भारत में भी एक वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दे दिया जाए। देश में 3 वैक्सीन कंपनियां इस वक्त रेस में शामिल हैं। तीनों ने ही इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मांगी है। सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड के लिए कुछ और डेटा मांगा गया था जो दे दिया गया है। फाइजर कंपनी की बायोएनटेक से भी डेटा मांगा गया था जिसका अभी इंतजार है। वहीं भारत बायोटेक की कोवैक्सीन ने भी सरकार की ओर से मांगा गया डेटा जमा कर दिया है। 3 एप्लीकेशंस हैं DCGI के पास पेंडिंग कह सकते हैं हम। फाइजर की है और सीरम इंस्टीट्यूट की है और भारत बायोटेक की है। फाइजर अपना डेटा अभी नहीं प्रेजेंट किया है उन्होंने, बाकी 2 कंपनीज ने डेटा प्रेजेंट किया था और उनसे और डेटा मांगा गया था। इन सब के बीच अच्छी खबर यह है कि बायोएनटेक वैक्सीन बना रही फाइजर कंपनी ने दावा किया है कि उसकी वैक्सीन कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन पर भी कारगर होगी। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट पर वैक्सीन की पहली खेप आने की खबर के बाद तैयारियां जोरों पर हैं। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कार्गो फैसिलिटी के अंदर खड़े हैं और जो टेम्परेचर इस वक्त यहाँ पर है वो -20 डिग्री सेल्सियस है। जी हाँ, -20 डिग्री सेल्सियस जो तापमान यहाँ पर मेंटेन किया जा सकता है कार्गो फैसिलिटीज के लिए, वो 25 डिग्री सेल्सियस से शुरू होता है और -20 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। यहाँ पर आप वैक्सीन स्टोर कर सकते हैं। सो ये रेंज है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कार्गो फैसिलिटी का, और -20 डिग्री सेल्सियस तक वैक्सीन के डोसेजेस को स्टोर किया जा सकता है। वेरियस रैक्स जो है वो लगाए जाएंगे और उसे इस तापमान तक यहाँ पर मेंटेन किया जा सकता है। दिल्ली में मिलन शर्मा और पॉलमी शाह के साथ आज तक ब्यूरो।
जो जिला टॉप पर तकरीबन एक हफ्ते तक श्रीनगर लेह राजमार्ग बंद रहने के बाद आखिरकार मंगलवार को वहां सेना की गाड़ियों से लेकर आम ट्रैफिक की आवाजाही शुरू हो गई। ग्यारह हजार पाँच सौ फीट की ऊंचाई वाले जो जिला टॉप के इलाकों में पिछले हफ्ते भारी बर्फबारी ही नहीं हुई बल्कि एवलांच भी आए थे। बीआरओ ने रास्ता साफ किया तो जो जिला के रास्ते लद्दाख बाकी दुनिया से जुड़ पाया और एलएसी के फॉरवर्ड इलाकों पर रसद पहुंचाई गई। वैसे श्रीनगर लेह राजमार्ग जरूर खुल गया लेकिन ठंड के सितम में कोई कमी नहीं है। कश्मीर के ज्यादातर हिस्सों में बुधवार को न्यूनतम तापमान और ज्यादा गिरा है। बारह दिसंबर को भारी बर्फबारी के बाद कश्मीर में मौसम सूखा और कड़ाके की ठंड वाला रहा। रात का तापमान शून्य डिग्री सेल्सियस से नीचे जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक क्रिसमस तक बर्फबारी नहीं होगी लेकिन 26 और 27 दिसंबर को ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। इस बीच कश्मीर में चिलई कलां की शुरुआत सोमवार को हो गई है। कश्मीर में चिलई कलां के 40 दिन मौसम के सबसे ठंडे दिन माने जाते हैं। हालांकि चिलई कलां को कश्मीर के लोग उत्सव की तरह मनाते हैं। उधर पहाड़ों पर चल रही ठंडी हवाओं का असर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में देखा जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3-4 दिनों तक दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में मौसम बेहद ठंडा रहेगा। चूंकि हमारे पास उत्तरी पश्चिमी हवाएं जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से आ रही हैं तो वो ठंडी हवा लेके आ रही है और साथ साथ जो क्लाउड की का ना होना, इन दोनों फैक्टर के चलते अगले 3-4 दिनों तक दिल्ली एनसीआर में कोल्ड वेव की सिचुएशन रहेगी और जो तापमान है 3-4 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास लगभग सभी ऑब्जर्वेटरी में रिकॉर्ड किए जाने की संभावना। उत्तर भारत के इलाकों में ठंड के साथ सुबह के वक्त कोहरा पड़ रहा है। ठंड और कोहरे से बचने के लिए लोगों को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। इस स्थिति से हो रही परेशानी के बीच हरियाणा के फतेहाबाद के किसानों को लग रहा है कि धुंध उनकी गेहूं की फसल के लिए बेहतर है। ठंड से कांप रहे हैं लोग लेकिन ये लाभदायक है फसलों के लिए भी। फसलें जो गेहूं की फसलें उनको नाइट्रोजन मिल रहा है, फुटार अच्छी होगी उनकी तो फसल अच्छी होगी, किसानों को इनसे फायदा है। वैसे ठंड की चुनौतियां अभी आने वाले दिनों में और बढ़ेंगी। इस साल ठंड का ट्रेलर ही बेहद कपकपाने वाला है। लद्दाख से बाकिर और दिल्ली से कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। चुनाव की दहलीज पर खड़े बंगाल में महापुरुषों के नाम पर जबरदस्त सियासत हो रही है। पीएम मोदी ने आज विश्व भारती के शताब्दी समारोह को संबोधित किया तो टीएमसी को इसमें भी काला नजर आया। ममता बैनर्जी बुलावे की बात नहीं गई, इस सियासत की बात करेंगे लेकिन आपको पहले सुनवाते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे बंगाली अस्मिता का दिल खोलकर गुणगान किया। विश्व भारती मां भारती के लिए गुरुदेव के चिंतन, दर्शन और परिश्रम का एक साकार अवतार है। भारत के लिए गुरुदेव ने जो स्वप्न देखा था उस स्वप्न को मूर्त रूप देने के लिए देश को निरंतर ऊर्जा देने वाला ये एक तरह से आराध्य स्थल है। गुरुदेव ने विश्व भारती की स्थापना सिर्फ पढ़ाई के केंद्र के रूप में नहीं की थी, वो इसे सीट ऑफ लर्निंग, सीखने के लिए पवित्र स्थान के तौर पर देखते थे। पढ़ाई और सीखना दोनों के बीच का जो भेद है उसे गुरुदेव के सिर्फ एक वाक्य से समझा जा सकता है। उन्होंने कहा था, मुझे याद नहीं है कि मुझे क्या पढ़ाया गया था, मुझे सिर्फ वही याद है जो मैंने सीखा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान भी विश्व कल्याण के लिए भारत के कल्याण का मार्ग है। यह अभियान भारत को सशक्त करने का अभियान है। भारत की समृद्धि से विश्व में समृद्धि लाने का अभियान है। इतिहास गवाह है
कि एक सशक्त और आत्मनिर्भर भारत ने हमेशा पूरे विश्व समुदाय का भला किया है। बंगाल में सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। बीजेपी ने बंगाली अस्मिता के सहारे चुनावों में दम दिखाने की रणनीति बना ली। पार्टी को मालूम है कि बंगाल की लड़ाई जीतने के लिए धरती पुत्र का मान रखना होगा, जिसके सहारे ममता सत्ता तक पहुंची। बंगाली अस्मिता के जरिए कुर्सी की लड़ाई। चुनाव से पहले बंगाल में धरती पुत्र वाले सुर। बंगाल की धरती पर बीजेपी का धरती पुत्र वाला ताव। सोनार बांग्ला के नारे से बीजेपी का बेड़ा होगा पार। भारत माता के जय श्री राम। मिशन बंगाल पर निकली बीजेपी के अभियान की तस्वीरें हैं, जो सियासत की नई तस्वीर पेश कर सकती हैं। लड़ाई कुर्सी की है, हथियार है बंगाली अस्मिता। ये वही तुरुप का पत्ता है जिसे चलकर बीजेपी ममता को टक्कर देने की रणनीति पर आगे बढ़ चुकी है। आज विश्व भारती यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में पीएम मोदी का संबोधन, उससे पहले दो दिनों के बंगाल दौरे पर गए गृह मंत्री अमित शाह का प्लान। 19 दिसंबर को बंगाल दौरे पर शाह का पहला दिन था। अपने इस दौरे पर उन्होंने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वाले शहीद खुदीराम बोस को श्रद्धांजलि दी। फिर दुनिया में देश का नाम रोशन करने वाले स्वामी विवेकानंद की धरती पर पहुँचे, श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और मैं आज भी मानता हूँ कि स्वामी जी के विचार उस वक्त जितने प्रासंगिक थे, आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। दुनिया को स्वामी जी के विचार की उस वक्त जितनी जरूरत थी, उससे ज्यादा जरूरत शायद आज है। और मैं इस स्थान, पवित्र स्थान पर ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि हम सबको स्वामी जी के बताए हुए रास्ते पर चलने की आशीर्वाद दे और चलने की प्रेरणा दे। और मेरा निश्चित मानना है कि ये मार्ग ही न केवल भारत, समग्र विश्व के कल्याण का मार्ग हो सकता है। 20 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह ने शांति निकेतन जाकर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को नमन किया। स्वामी विवेकानंद हो या गुरुदेव टैगोर, सुभाष चंद्र बोस हो या खुदीराम, इन विभूतियों ने अपने योगदान से देश का मान सम्मान बढ़ाया, बंगाल का महिमा मंडन किया। बीजेपी और टीएमसी दोनों पार्टियां जानती हैं कि ऐसे विभूतियों से बंगाल के लोगों का कितना जुड़ाव रहा है, लिहाजा 2021 में लड़ी जाने वाली लड़ाई के केंद्र में वही बंगाली अस्मिता मान सम्मान है। लिहाजा सियासी पार्टियां महापुरुषों की शरण में हैं। शांति निकेतन में पीएम मोदी का संबोधन है तो टीएमसी भगवाकरण का आरोप लगा रही है। अमित शाह भी शांति निकेतन पहुंचे थे तो टीएमसी ने कहा कि वहां छात्रों को लामबंद करने की तैयारी है। केंद्र सरकार ने 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए हाई लेवल कमेटी गठित की है तो ममता सरकार भी नेताजी की जयंती पर कई बड़े कार्यक्रम करने की तैयारी में जुट गई है। वहीं शाह ने स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि दी तो ममता की पार्टी भी 12 जनवरी को बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है। रविन्द्रनाथ इज रविन्द्रनाथ, बांग्ला भारतवर्ष एवं विश्व बांग्ला एवं सारा पृथ्वी। মনে রাখবেন, রবীন্দ্রনাথকে সেলাম করে, বিবেকানন্দকে সেলাম করে, নেতাজিকে সেলাম করে, গান্ধীজিকে সেলাম করে। কেন জানেন? রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে কোনো অপমাননা, অপমাননা মানব না। TMC লাগাতার আউটসাইডার ইনসাইডার হোনে কো হাওয়া দেতি রহি হ্যায়। বিজেপি নেতাওঁ কে দৌরে কো লেকার মমতা কই বার উনে আউটসাইডার করার দে চুকি হ্যায়। লেকিন বিজেপি নে সোনার বাংলা আর বঙ্গালী অস্মিতা কা কার্ড আপনা কর বতা দিয়া কি ইস বার টক্কর জবরদস্ত হোনে ওয়ালি হ্যায়। कोलकाता से मनोज गलोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। विजय अभियान पर निकली बीजेपी की राह में बंगाल का चुनाव बेहद अहम पड़ाव पर है और ऐसे में पार्टी ममता सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। आए दिन हिंसा की घटनाएं वहां सामने आ रही हैं, जिसे लेकर बीजेपी ममता बैनर्जी पर गंभीर आरोप लगा रही है तो ममता बैनर्जी भी हर सवाल का करारा जवाब दे रही है। Hey, hey, hey!
बंगाल की तस्वीर है जहां से टैगोर और स्वामी विवेकानंद जैसे प्रचारक निकले। हिंसा की तस्वीर उसी बंगाल की है जहां जन्मे नेताजी सुभाष चंद्र बोस और खुदीराम बोस जैसे महापुरुषों ने आजादी के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। लेकिन कुर्सी के आंकड़ों का अंकगणित ठीक करने के लिए सियासत ने ये नया दांव अपना लिया है। आए दिन हत्याएं हो रही हैं, राजनीतिक कार्यकर्ताओं का खून हो रहा है। दीदी, क्या आप समझती हो कि इससे हम डर जाएंगे क्या? हमारे 300 से ज्यादा कार्यकर्ता की जाने गई है, मगर दीदी सुन लो, जितनी हिंसा करोगी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतनी जोर से आपका सामना करेगा। शुभेंदु अधिकारी महाशय के वरण करबेन। लग रहा है सियासत ने हिंसा को सत्ता तक पहुंचाने का शॉर्टकट फॉर्मूला मान लिया है। इस लड़ाई में आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी जारी है। बीजेपी अपने समर्थकों की हत्या का आरोप लगा रही है। टीएमसी कह रही है कि जो हत्याएं हुई हैं उस पर कार्रवाई भी हुई। बीजेपी बंगाल में चुनावी हिंसा का आरोप जड़ रही है तो टीएमसी के मुताबिक सुसाइड को भी हत्या बता रही है बीजेपी। बीजेपी कह रही है कि ममता राज में कानून व्यवस्था बेहद खराब है। टीएमसी का जवाब है कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। बीजेपी का आरोप है कि राज्य में हालात ठीक नहीं है। टीएमसी ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी राज्य की गलत छवि पेश कर रही है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि मनमानी कर रही है टीएमसी सरकार। ममता दीदी कह रही है कि उनकी सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर काम कर रही है। भारत की राजनीति में बंगाल ने सेट किए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का संपूर्ण राजनीतिकरण कर दिया गया है, राजनीति का संपूर्ण अपराधीकरण कर दिया गया है और भ्रष्टाचार को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है। ये तीनों ट्रेंड लोकतंत्र के लिए और जनता के लिए बहुत खतरनाक है। मैं अमित जी के बोलो, अमित जी आप तो होम मिनिस्टर है, आपको ये शोभा नहीं देती कि आप कोई गंधा बात झूठा बात जो आपका पार्टी वॉर का तैयार कर दे वो आप क्रॉस चेक नहीं करके बोले, जिसको अंदाजा आपका नहीं है। आप पहले बोलने का पहले प्लीज क्रॉस चेक कीजिए। भारत माता के जय। बीजेपी ममता राज में हो रही हिंसा के खिलाफ आवाज उठा रही है, साथ ही टीएमसी के बागियों को पार्टी में शामिल कर उम्मीद कर रही है कि इस बार बाजी पलटेगी। टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी उनमें एक बड़ा नाम है। अभी एक दिन पहले ही मिदनापुर में शुभेंदु और टीएमसी समर्थकों के बीच जबरदस्त झड़प हुई, लेकिन अब वो बतौर बीजेपी नेता अपने इलाके में समर्थकों के बीच पहुंच रहे हैं। बंगाल ने सियासी हिंसा का लंबा दौर देखा है। आंकड़े बता रहे हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से अब तक राज्य में 47 राजनीतिक हत्याएं हो चुकी हैं। इनमें बीजेपी और टीएमसी दोनों पार्टियों के समर्थक शामिल हैं। इनमें से 38 मामले दक्षिण बंगाल से सामने आए हैं। बीते 6 महीनों में 10 से ज्यादा सियासी हत्याएं हो चुकी हैं। लिहाजा बंगाल फतह करने के इरादे से निकली बीजेपी चुनावी हिंसा को व्यापक तौर पर भुनाना चाहती है। इसकी शिकायत चुनाव आयोग तक पहुंच चुकी है। कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। ममता बनर्जी पर बंगाल बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने संगीन आरोप लगाए हैं। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने यह कहा कि ममता बनर्जी बंगाल में खून की नदियां बहाकर सत्ता में बने रहना चाहती है। ये बड़ी खबर अभी तक हमारे पास आ रही है। सांसद ने ये अहम आरोप ममता बनर्जी पर लगाया जिसमें वो बहुत गंभीर बातें कह रहे हैं। खून की नदियां बहाकर सत्ता में बने रहना चाहती है ममता बनर्जी। उत्तर 24 परगना की रैली में अर्जुन सिंह ने कहा कि बंगाल में पुलिस और गुंडे एक हो गए हैं। लगातार बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पुलिस संविधान और आईपीसी के दायरे में काम नहीं कर रही बल्कि खून की नदियां वहां बह रही हैं और ऐसे में राजनीतिक इंटरेस्ट को बचाए रखने के लिए इस तरह के एक्शन पुलिस की तरफ से लिए जा रहे हैं। और आइए इस वक्त सीधे रुख कर लेते हैं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कर रही हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेदिनीपुर जिला, पुरुलिया, मेदिनीपुर पूर्व पश्चिम, झारग्राम, पुरुलिया, बर्धमान ও বাঁকুড়া থেকেও ইস্পাত রপ্তানি উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়বে। মানে এটা একটা কর্ম সৃষ্টির নতুন একটা দিশা খুলে দিচ্ছে।
নতুন কর্মপথ তৈরি করে দিচ্ছে। আরেকটা মনে রাখবেন, এই বন্দর তৈরি হলে মেদিনীপুর থেকে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া ও জাপানে যে সিফুড রপ্তানি হয় তা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে। শুধু যে লক্ষ লক্ষ মৎস্যজীবী মানুষ আর্থিকভাবে উপকৃত হবে তা নয়, অনেক মানুষ কাজ পাবে। মমতা ব্যানার্জী মছুয়ারোঁ কি বাত কর রহি হ্যায়, কি মছুয়ারে কিস তরহ সে উন্হেঁ বেনিফিটস মিলেঙ্গে, উন্হেঁ ফায়দে মিলেঙ্গে। ওখানে একটা এক্সপোর্ট সেন্টারও হতে পারে নিশ্চয়ই, যখন আমরা দেখব এই উৎপাদনগুলো বৃদ্ধি পাবে আস্তে আস্তে, টাইম টু টাইম ফেস ওয়াইজে হবে। ওয়েস্ট বেঙ্গল ম্যারিটাইম বোর্ড আর WBIDC-র অন্তর্গত তাজপুর গভীর সমুদ্র বন্দর রাজ্যের উন্নয়নের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। পেরেছি বোঝাতে? এবার হচ্ছে আমার সিঙ্গুরের শিল্প পার্ক। আপনারা জানেন চাষিদের যখন আন্দোলন হয় সিঙ্গুরের জমি তো আমরা ফেরত দিয়েছি এবং এখনো কিন্তু আমরা মাসে 2,500 টাকা করে সিঙ্গুরে আমরা, ওরা যেহেতু বলতো যে কৃষি এবং শিল্প দুটোর মধ্যে একটা হাসি খুশি আমি নাম দিতাম, যে শিল্প আমাদের গৌরব, কৃষি আমাদের গৌরব, শিল্প আমাদের সম্পদ। উদ্যোগ ওর কিষানো এক সাথ লেকার চলনে কা প্রয়াস কিয়া হ্যায়, হাসি ওর খুশি। এক ওর উদ্যোগ ভি বড়েগা, দূসরে ওর কিষান কি ফসল ভি ওর জ্যাদা আচ্ছি ওর বেহতর হোগি। ইয়ে প্রয়াস হমনে হমেশা কিয়া হ্যায় ওর ইসে হম লাগাতার কর ভি রহে হ্যায়। সিঙ্গুর মে হম এক বড়া ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক বনা রহে হ্যায়, বড়ি ঘোষণা মমতা ব্যানার্জী দ্বারা জো ওয়াহাঁ কে লোক হ্যায়। कोरोना के नए रूप को लेकर तरह तरह की आशंका लोगों को सता रही है। आशंका का सबसे बेहतर समाधान यह है कि इसे लेकर अफवाहों पर ध्यान देने की जगह एक्सपर्ट्स की राय मानी जाए। आज तक ने आपकी आशंकाओं को दूर करने के लिए दुनिया के नामी ग्रामी डॉक्टर्स से बात की। लॉकडाउन, मास्क, दो गज दूरी, इन तमाम उपायों से बड़ी मुश्किल से हम कोरोना से जंग जीतते नजर आए थे, लेकिन कोरोना के नए रूप ने फिर से देश को सकते में डाल दिया है। कितना खतरनाक है कोरोना का नया रूप? जो वैक्सीन बने हैं वो नए कोरोना पर असरदार होंगे? क्या नया वाला कोरोना बच्चों के लिए भी खतरनाक होगा? क्या कोरोना को परास्त करने वालों को भी हो सकता है नया वाला कोरोना? तमाम सवाल है जो लोगों के मन में उठ रहे हैं। इस पर हमने दुनिया भर के डॉक्टर्स की राय ली। हमारा पहला सवाल था, क्या नया वाला कोरोना बहुत ज्यादा खतरनाक है? सिम्टम्स वही रहेंगे, जो जो तकलीफ होगी, जो सांस लेने में तकलीफ होगी, जो बुखार होगा, जो सिम्टम्स होंगे वो वैसे ही तरह के पाए जा रहे हैं जैसे पहले की स्ट्रेन्स में थे। तो ज्यादा मरने की आशंका नहीं, तो सीरियस इलनेस या बहुत ज्यादा बीमार होने की आशंका इसमें नहीं है। इसीलिए ट्रांसमिशन ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा आएगा हेल्थ सिस्टम पे अगर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो। सो पब्लिक हेल्थ के लिए थोड़ा सा वार्निंग सिग्नल है, पर प्रिकॉशन लेंगे, टेस्टिंग करेंगे, ट्रेसिंग करेंगे तो ज्यादा खतरनाक वायरस नहीं है जी। पहले वाले कोरोना से ज्यादातर बच्चे अछूते थे। ऐसा माना गया कि बच्चों और गर्भवती महिलाएं कोविड के खतरे से दूर हैं। लेकिन क्या नया वाला स्ट्रेन भी ऐसा ही है? अंदाजा ये है कि ये बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, पर अभी तक जो डेटा आया है उसके अंदर ये डेफिनेटली नहीं बताया गया कि बहुत सारे बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं या कितना फैल गया है, इसके ऊपर अभी डेटा नहीं है। हमारा अगला सवाल था कि जो लोग एक बार कोरोना से जंग जीत चुके हैं क्या उनके लिए भी ये स्ट्रेन खतरनाक हो सकता है?
तो ये तो सवाल ऐसा है कि शायद नहीं होगा, क्योंकि आज तक जो सेकंड री इन्फेक्शन के और जो केसेस हमारे सामने में आए हैं, कई लाखों में करोड़ों में जिन लोगों को कोरोना हो चुका है एक बार ऑलरेडी, उसमें से सिर्फ कई ऐसे 10 20 100 लोग हैं जिनको दोबारा कोरोना हुआ है, तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि ये म्यूटेशन की वजह से दोबारा हो सकता है। इसी से जुड़ा एक और सवाल है, कोविड की अब तक जो वैक्सीन बनी है क्या वो नए स्ट्रेन पर असरदार साबित होंगी? बीमारी आसानी से लगती है, मगर जो दवाइयां बना जा रही हैं, वैक्सीन बनाए जा रहे हैं, ये इस वेरिएंट पे भी चलेंगे। ये जो भेष बदल के आई है वायरस, इस पे भी ये दवाइयां चलेंगी, और जो लक्षण है ये बिल्कुल नहीं बदलने वाले जहां तक अब तक नजर आ रहा है। कोविड के नए खतरों को लेकर तमाम अहम सवालों के जवाब अब तक आपको मिल चुके होंगे, लेकिन डॉक्टर्स और शोधकर्ताओं को एक और गुत्थी खाई जा रही है कि नया वाला स्ट्रेन कब आया और कहां से आया, क्योंकि जिस सैंपल के नतीजे के आधार पर नए स्ट्रेन के बारे में पता चला है वो सितंबर में ही लिए गए थे। इनको ये सैंपल्स मिले 20 और 21 सितंबर में, जिसको उन्होंने एनालाइज किया अक्टूबर में। इसका मतलब ये हुआ कि सितंबर के महीने में ये वायरस इवॉल्व कर चुका था, म्यूटेट कर चुका था। तो ये कहां से आए ये वायरस, ये अभी तक हमको नहीं पता, बिकॉज और भी कंट्री से ये वायरस आ सकती है, ओरिजिन कहीं और भी हो सकती है, और ये मतलब यूके में आके, पर ये यूके में आइडेंटिफाई हुआ। उम्मीद है नए कोरोना को लेकर आपके मन में उभरे सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। सावधान रहिए, सारे एहतियात का ख्याल रखिए, क्योंकि इस मुश्किल घड़ी में आपकी सावधानी किसी भी दवा या वैक्सीन से ज्यादा असरदार है। आज तक ब्यूरो। अगले महीने से देश में कोरोना टीकाकरण शुरू हो सकता है। अगले हफ्ते वैक्सीन की पहली खेप भारत आने वाली है। इसे लेकर देश में कहां क्या तैयारी है, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कोरोना के खिलाफ ये महाजंग की तैयारी है। खबर है कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते में वैक्सीन की पहली खेप आ जाएगी। इसके लिए दिल्ली से लेकर पटना तक में तैयारियां जोरों पर है। ये दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तस्वीर है। अस्पताल में स्पेशल डीप फ्रीजर इंस्टॉल किया गया है। कोविड वैक्सीन को सुरक्षित रखने के लिए इन फ्रीजर्स में 2 डिग्री से 8 डिग्री तक तापमान रखा जा सकता है। हमारे पास अभी 74 लाख डोज स्टोर करने की कैपेसिटी है, कोल्ड स्टोर की कैपेसिटी है, लेकिन इसको बहुत जल्द अगले 5-7 दिन के अंदर, सारा काम बड़ी तेजी से चल रहा है, अगले 5-7 दिन के अंदर, मैक्सिमम 1 हफ्ते के अंदर ये कैपेसिटी हमारी बढ़ के 1,15,00,000 डोज स्टोर करने की कैपेसिटी हो जाएगी। दिल्ली एयरपोर्ट पर पहले ही तैयारियों को आखिरी रूप दिया जा चुका है। वहां वैक्सीन को रखने के लिए -20 डिग्री तक के तापमान का कूल चैम्बर बनाया गया है। अब हम आपको पटना लेकर चलते हैं। कोरोना वैक्सीन के रखरखाव और वितरण के लिए पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बिहार का सबसे बड़ा वैक्सीन सेंटर तैयार किया गया है। यहां 35 लाख डोज रखने की व्यवस्था की गई है। इस सेंटर का आज तक ने जायजा लिया। ऐसे ही फ्रीजर वैन्स में देखिए, आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं खोल के, ये आप देख सकते हैं अंदर बहुत ज्यादा ठंड है। यहाँ पे देखिए बहुत ज्यादा ठंडा यहाँ पे जो एक एटमॉस्फेयर है, क्योंकि 2 डिग्री का टेम्परेचर यहाँ मेंटेन किया गया है। और अंदर की तस्वीर आपको हम दिखाते हैं, कैमरा पर्सन से कहूंगा जरा अंदर की तस्वीर दिखाएं। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे ये फ्रीजर वैन्स में कोरोना के वैक्सीन को रखा जाएगा। देश में जब कोरोना का वैक्सीन आएगा, उसके बाद विभिन्न राज्यों में पहुंचेगा, उसके बाद कैसे लोगों तक इसका वितरण होगा, इसको जानने के लिए हम फिलहाल पटना में मौजूद हैं, NMCH अस्पताल के कैंपस में, जहां पर स्टेट वैक्सीन सेंटर मौजूद है। और हम स्टेट वैक्सीन सेंटर के अंदर मौजूद हैं और तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। यहां पर आप देखिए किस तरीके से तैयारियां जो है राज्य सरकार की तरफ से वो पूरी जोर शोर से चल रही है। यहाँ पे देखिए ये आइस लाइन रेफ्रिजरेटर्स हैं, जो
केंद्र सरकार की मदद से जो है वो विभिन्न राज्यों को मिल रही है, और ये आइसलैंड रेफ्रिजरेटर्स आप देखिए कितनी ज्यादा संख्या में यहाँ पर मौजूद है, और सभी आइसलैंड रेफ्रिजरेटर्स को धीरे धीरे करके जो है विभिन्न जिलों में पहुंचाया जा रहा है। ये वॉक इन फ्रीजर है। वॉक इन फ्रीजर की खास बात यह है कि वैसे वैक्सीन जिसको और कम टेम्परेचर में रखा जाना चाहिए उसके लिए ये फैसिलिटी है, जहां पर टेम्परेचर जो होता है शून्य से लेके -20 डिग्री तक होता है, और यहां देखिए फिलहाल इस वॉक इन फ्रीजर में जो टेम्परेचर है वो -17 डिग्री जो है यहां पर किया हुआ है। फ्रीजर फैंस के थ्रू जाते हैं, उसमें भी मेंटेन टेम्परेचर होता है, और मेंटेन टेम्परेचर पर ही जो वैक्सीन है यहां से उस फ्रीजर वैंस के थ्रू अपने डिस्ट्रिक्ट पॉइंट पर जाते हैं, और वहाँ बड़ा बड़ा आईएलआर होता है, आइसलैंड रेफ्रिजरेटर, जिसमें कि उसमें डाल दिया जाता है, वहाँ भी मेंटेन टेम्परेचर होता है, और फिर जो है हम लोग आइस बॉक्स में और जो वैक्सीन कैरियर बैग्स होते हैं उसमें लेके कंज्यूमर पॉइंट पर जाता है। तो तैयारी पूरी है, बस इंतजार है वैक्सीन का। पटना से रोहित सिंह और दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।